हेलो बच्चों, एजुकेशन बर्ड्स में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास थर्ड के यानी कि तीसरी कक्षा के चैप्टर स्वच्छता की आदत का अध्ययन करेंगे। स्वच्छता मतलब समझते हैं ना, स्वच्छता क्या होती है? स्वच्छता मतलब साफ सुथरी आदत। रोज नहाना लगता अच्छा, सदा रहेगा स्वच्छ वो बच्चा। खुले में सोच कभी न जाओ, है जा उल्टी दस्त भगाओ। रानी बिटिया सीखे बातें, नाखून दांत से कभी न काट। ढका हुआ खाना तुम खाओ, बीमारियों को दूर भगाओ। कितनी अच्छी कविता हमारे सामने देखा हमने। हमें क्या करना चाहिए? रोज नहाना चाहिए, सदा स्वच्छ रहेंगे हम। यानी कि अगर हम रोज नहाएंगे तो साफ सुथरे रहेंगे। खुले में शौच का मतलब हमें टॉयलेट वगैरह बाहर नहीं जाना, हमें हैजा उल्टी दस्त आदि रोग नहीं पालने। रानी बिटिया सीखे ये बातें, आप सब रानी बिटिया हैं, राजा बेटे हैं, तो ये सारी बातें सीखें। नाखूनों को दांत से कभी नहीं काटें। क्यों भाई? क्योंकि नाखूनों में कई बार हमारे गंदगी रहती है। अगर हम उनको दांतों से काटेंगे तो क्या होगा? वो गंदगी हमारे पेट में चली जाएगी। ढका हुआ खाना खाना चाहिए। क्यों भाई? ढका खाना क्यों खाना चाहिए? क्योंकि अगर ढका हुआ खाना नहीं होगा तो उसमें कीड़े मकोड़े कीटाणु सब गिर जाएंगे और वो हमें बीमार कर देंगे। इसलिए ढका खाना खाएंगे तो हम बीमार नहीं होंगे। इस प्रकार हमने स्वच्छता की आदत देखी इस कविता के माध्यम से। सबको कविता याद करनी है। क्या करेंगे? कविता को याद करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। आगे चलते हैं हम। देखो, गुरमीत प्रतिदिन सुबह समय पर उठता है, ये दिख रहा है ना हमें चित्र में। सबसे पहले क्या करता है? सोच करता है। उसके बाद साबुन से अच्छी तरह अपने हाथ धोता है और उसके बाद वह अपने दांतों को साफ करता है, यानी कि मंजन करता है दांतों पे। क्यों मंजन? समझते हैं ना, ब्रश ब्रश करता है वो। अब आप मुझे बताइए, आप कितने बजे उठते हैं? आप शौच करने कहाँ जाते हैं? खुले में जाते हैं या अपने टॉयलेट्स में जाते हैं? तो ये तुम्हें खुद को प्रश्न उत्तर लिखने हैं। आगे देखते हैं, शौच करने के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों जरूरी है? तो इसके लिए मैं तुम्हें उत्तर बताऊं, क्योंकि इसलिए जरूरी है, हमारे हाथों में कीटाणु होते हैं और जब हम उनको साबुन से धोते हैं तो कीटाणु अच्छी तरह नष्ट हो जाते हैं। आप दांत किससे साफ करते हैं बताइए? हम दांत किससे साफ करें? टूथपेस्ट से करते हैं ना। दातुन या मंजन? दातुन से करें। दातुन भी किसकी? नीम की दातुन, जिससे हमारे दांत साफ रहते हैं। और जो नीम का वो रस होता है ना, वो भी हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। आप और अपने दांतों की सफाई कैसे करते हैं बताइए? हम अपने दांतों की सफाई ब्रश से भी करते होंगे और मंजन से भी करते होंगे, और किससे? नीम की दातुन से भी करते होंगे। आप बताइए, दांतों की सफाई क्यों जरूरी है बताइए? वही दांतों की सफाई क्यों जरूरी है? क्योंकि नियमित सफाई से दांतों में कीड़े नहीं लगते, जिससे दांत लंबे समय तक सही बने रहते हैं। अगर हमारे दांतों में गंदगी रहेगी तो कीड़े लग जाएंगे। कीड़े लगने से हमारे दांतों को नुकसान होगा और हम कभी दांत में दर्द होगा, कभी दाढ़ में दर्द होगा और इससे हम परेशान रहेंगे। इसलिए हमें दांतों की नियमित सफाई करनी चाहिए। और सुबह उठते ही हमें क्या करना चाहिए? सोच जाना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद हमारे शरीर की गंदगी बाहर निकल जाती है। साबुन से हाथ धोने चाहिए, दांतों की सफाई नीम की दातुन से या ब्रश से करनी चाहिए हमें। आ गया ना हमारे पास नीम। देखो ये भैया गुरमीत क्या कर रहा है यहाँ पे चित्र में, देखो ब्रश कर रहा है ना भैया। हाँ,
अब नीचे देखो, फिर उसके बाद ये नहा रहा है, ये इसके बाद हाथ धो रहा है जाके, कहां ब्रूस वगैरह सोच से निवृत्त होके क्या कर रहा है, ये हाथ धो रहा है भैया। और इसके बाद देखो इधर, इधर फिर ये क्या कर रहा है गुरमीत, स्नान कर रहा है। चित्र में दिख रहा है ना गुरमीत को नहाते हुए, देख रहे हैं ना। हाँ, तो हमें भी नहाना है, रोज नहाना है। अब गुरमीत कहाँ जा रहा है देखो, स्कूल के लिए उसका बैग लगा हुआ है ना, और सामने इसका क्या दिख रहा है हमें, विद्यालय। यानी कि गुरमीत अब कहाँ जा रहा है, विद्यालय में जा रहा है अपने। गुरमीत रोज स्नान करता है, ध्यान रखता है कि शरीर में सभी अंग साफ हो, बगल गर्दन कान जांग सब साफ हो। स्नान करने के बाद तौलिया गमछे से पहुंचता है विद्यालय। किसमें जाता है, गणवेश में। तुम लोग भी यूनिफॉर्म में जाते हो ना स्कूल, विदाउट जाते हैं तो दीदियां लड़ती है ना, गुरुजी लड़ते हैं ना आपको, सर लड़ते हैं ना कि विदाउट क्यों आए। तो इसलिए हम भी क्या किस में जाते हैं, यूनिफॉर्म में जाते हैं। और तेल लगाकर बालों में कंघी करता है, तैयार होकर वो विद्यालय जाता है। उसके साफ सुथरे रहने के कारण वह लगातार कितने वर्षों से, अरे वाह, 2 साल में, 2 साल से विद्यालय के स्वच्छता पुरस्कार का विजेता रहा है। आपके यहाँ भी विद्यालय में स्वच्छता, जो क्लास में सबसे स्वच्छ रहता है रहती है, उस भैया या बहन को क्या देते हैं, पुरस्कार देते हैं ना। हाँ, तो गुरमीत अपने विद्यालय में लगातार 2 वर्ष से स्वच्छता पुरस्कार जीत रहा है। देखो कितनी अच्छी आदत है उसकी। हम भी अगर साफ सुथरे रहेंगे तो स्वच्छता पुरस्कार जीतेंगे ना, बिल्कुल जीतेंगे। अब मुझे बताओ, सोच के बाद साबुन से हाथ धोने क्यों आवश्यक है, हमें पहले ही पता है, क्योंकि इसमें हाथों में जो कीटाणु रहते हैं वो हमारे साबुन के हाथ धोने से मर जाते हैं। हमें साफ सुथरे कपड़े क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि साफ सुथरे कपड़ों में गंदगी नहीं रहती और वह गंदगी हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करती, इसलिए हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। और गुरमीत के पिताजी हर रविवार को उसके हाथ व पैर के नाखून काटते हैं, सिर पर तेल की मालिश करते हैं। कहाँ करते हैं, सिर पर। उसे तैयार कर कहाँ ले जाते हैं, गुरुद्वारा ले जाते हैं। गुरुद्वारा, जैसे हिंदू भाई कहाँ जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। सिख भाई कहाँ जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं। मुस्लिम भाई कहाँ जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं। ईसाई भाई कहाँ जाते हैं भाई, चर्च में जाते हैं। तो हमें सबका पता चल गया, यानी कि जिन इन इन सब लोगों के पूजा पद्धति तो एक है, लेकिन उनके स्थान को नाम अलग अलग दिया गया है। हिंदुओं को क्या कहा, मंदिर। सिखों में क्या कहा, गुरुद्वारे। ईसाइयों में क्या कहा, चर्च। और मुसलमानों में क्या कहा, मस्जिद। इस प्रकार सब अपने ये गुरमीत क्या करता है, पूजा करने के लिए गुरुद्वारे जाता है। अब आप बताइए, आपके नाखून कौन काटता है, बताओ। मम्मी काटती हैं, पापा काटते हैं, कौन। आप अपने नाखून कितने समय बाद कटवाते हैं, सप्ताह में कटवाते हैं, 2 दिन में कटवाते हैं, 5 दिन में कटवाते हैं, या महीने भर तक नहीं कटवाते, ये बताओ मुझे लिख के। समय समय पर नाखून काटना क्यों जरूरी है, हम जानते हैं समय पर नाखून काटना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे नाखूनों में गंदगी होती है, अगर नहीं काटेंगे तो गंदगी हमारे शरीर में चली जाएगी। नाखून नहीं काटने पर हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर नाखून नहीं काटेंगे उनकी गंदगी हमारे नाखून में होगी और नाखून से हमारे शरीर में चली जाएगी, जिससे हम बीमार पड़ जाएंगे। आगे देखते हैं, घर की सफाई। अब ये तो हमने देखी किसकी, अपने शरीर की सफाई। अब देखते हैं हम किसकी सफाई, अपने घर की सफाई। स्वच्छ रहने के लिए शरीर की सफाई के साथ साथ अपने आसपास का परिवेश भी कैसा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, यानी साफ सुथरा होना चाहिए। अधिकतर समय अपने घर व विद्यालय में रहते हैं हम, हमें अपना घर, पड़ोस, विद्यालय को साफ रखना चाहिए। क्यों भाई, घर की सफाई के साथ साथ हमें जो अपने सार्वजनिक स्थान है, कैसे, विद्यालय, अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर भी गंदगी नहीं करनी चाहिए। कूड़ा कचरा हमें कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। ये दिखा रखा ना चित्र में, सार्वजनिक पार्क है ये, सबके लिए पार्क। और इसमें देखो सफाई कर रहे हैं सफाई वाले, और एक लड़का खड़ा भैया है जो कचरा कहाँ डाल रहा है, डस्टबिन में डाल रहा है, दिख रहा है ना, मैं दिख रहा है ना सामने। हाँ,
और ये झाड़ू वाले भैया भी दिख रहे हैं हमें, जो झाड़ू निकाल रहे हैं, कचरा साफ कर रहे हैं ऐसे। तो ऐसे हमें भी साफ रखना है। आगे देखो, आपके घर में रोजाना झाड़ू कौन लगाता है बताओ? मम्मी लगाती है ना। त्योहार के दीपावली है, होली है, ऐसे त्योहारों पे हम पूरे घर की सफाई करते हैं। आपका घर साफ रहे इसके लिए आप घर में क्या करते हैं? हम छोटे छोटे काम करते हैं, मम्मी की मदद करवाते हैं। आपके घर का कूड़ा कचरा कहाँ फेंका जाता है? नगर निगम की जो गाड़ी आती है उसमें डाला जाता है। हमें अपने घर का कूड़ा कचरा घर के बाहर ग्राम पंचायत या नगर पालिका या नगर परिषद द्वारा तय किए गए स्थान पर ही डालना चाहिए। कचरा इधर उधर फेंकने से क्या होगा? गंदगी होगी। अब देखते हैं हम घर की सजावट। घर में उत्सव पर्व त्योहार और शादी ब्याह होने पर घर की सफाई करने के साथ साथ क्या करते हैं हम? उसको सुंदर सजाते भी हैं भाई। अब नीचे चित्र देखो, कैसे रंगोली बना रखी है, दिख रही है ना? अब कच्चे घर पे देखो कैसे कितने सुंदर सुंदर डिजाइन बनाए हुए हैं, और इधर देखो फर्श पे कैसे रंगोली बनाई हुई है, दिख रही है ना? हाँ, अब आपके घर की सजावट किस प्रकार की जाती है, आप लगाते हैं ना, क्या क्या लगाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। घर की सजावट में आप किस प्रकार सहयोग करते हैं? मम्मी के साथ रंगोली में, रंग लगाने में, सजावट करने में हम सहयोग करते हैं ना, तो हमें लिखना है इसका उत्तर भी। आप घर की सजावट कब कब करते हैं? हमारे घर में बड़े त्योहार आते हैं तो हम घर की सजावट करते हैं, या शादी होती है, कोई परिवार में मेहमान आता है तो हमारे घर की सजावट करते हैं ना, लिखना है हमें। आपको अपनी कक्षा की सजावट करनी हो तो कैसे करेंगे बताओ? क्या क्या करेंगे अपनी उसमें? हम अपनी कक्षा की सजावट में सुंदर लाइट लगाएंगे, फूल पत्ती लगाएंगे, रंगोली, कागज, कपड़ा, कांच, रंग आदि की सहायता से सुंदर सी सजावट करेंगे, ठीक है? अब देखो नीचे घर का चित्र दिखाया हुआ है, अपनी रुचि से इसमें विभिन्न रंग भरिए। ये आपको काम करना है, पहले तो घर का चित्र बनाना है सुंदर सा, और फिर इसमें जैसे इसमें हरा कलर भरना है, इसमें कौन से अच्छे कलर लगते हैं, तुम्हें पुताई किस कलर से करनी है, वो तुम्हें सब काम करना है। गांव में सफाई, जल, बिजली, सड़कें, सिंचाई आदि की व्यवस्था कौन करता है बताओ भाई? ये हमारे पास उत्तर आ गया, एक ग्राम पंचायत। अंडरलाइन करो भाई इसको, याद करना है। गांव में सफाई, जल, बिजली की व्यवस्था कौन करता है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच। ये प्रश्न लिखना, ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है भाई? सरपंच। इसके सदस्य क्या होते हैं? वार्ड पंच होते हैं। सरपंच तथा वार्ड पंच का चुनाव क्या करते हैं? जनता करती है भाई। हमारे सरपंच का चुनाव आपने देखा होगा ना, अपने सरपंच का चुनाव और पंचों का चुनाव तो कौन करते हैं? जनता करती है। इसी प्रकार शहरों में क्या होती है? नगर पालिका। और बड़े शहरों में क्या होती है? नगर परिषद। और उससे बड़े शहरों में क्या होगा? नगर निगम। अब ध्यान रखना, गांव में क्या हुई? पंचायत। और छोटे शहरों में क्या हुई? नगर पालिका। छोटे शहर से थोड़े से बड़े शहर में क्या हुई? नगर परिषद। और सबसे बड़े शहरों में क्या हुई? नगर निगम। इन्हें क्या कहते हैं हम? शहरी निकाय कहते हैं। इनके प्रतिनिधियों का चुनाव जनता करती है भाई, जिन्हें हम क्या कहते हैं देखो? पार्षद कहते हैं। सरकार अलग अलग योजनाओं के लिए धन देती है, कुछ धन संस्थाएं अपने स्तर पर भी जुटाती हैं। इनसे हमारे गांव व शहरों का विकास होता है। अब अपने मोहल्ले के वार्ड पंच का नाम बताइए भाई। मुझे तो पता नहीं तुम किस मोहल्ले में रहते हो। जिस मोहल्ले में रहते हो तो अपने बड़ों से पूछना और उस वार्ड पंच का नाम लिखना है। आपके गांव या शहर में इन संस्थाओं को क्या क्या काम है, यानी कि क्या क्या काम करते हैं वार्ड पंच और ये? हम अपने गाँव शहर के क्या करते हैं बताइए? इन संस्थाओं के द्वारा हमारे गांव शहर में सड़क, बिजली, सिंचाई, विद्यालय, समुदाय केंद्र, पार्क की व्यवस्था और साफ सफाई करवाई जाती है। आप अपने गांव में या विकास शहर में क्या विकास चाहते हैं बताओ? हम सड़क चाहते हैं, सफाई चाहते हैं, सिंचाई बिजली चाहते हैं, पीने का पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार आदि के विकास की हमें जरूरत
है। अब हम चैप्टर के अंत में देखेंगे हमने क्या सीखा। शरीर के सभी अंग, आंख, नाक, कान, दांत, बाल आदि को साफ रखना चाहिए। स्वच्छ शरीर अच्छी आदतों पर निर्भर रहता है। प्रातः उठकर दांतों की सफाई, खाने से पहले हाथ धोना, सोच के बाद हाथ धोना, नियमित स्नान करना अच्छी आदतें होती हैं। सफाई के साथ साथ हमें विद्यालय का सफाई भी रखनी चाहिए, सार्वजनिक स्थानों की भी सफाई रखनी चाहिए। हमें सदैव कूड़ा कचरे कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। त्योहारों पर क्या बनाएं? मांडने, रंगोली, फूल पत्तियों आदि से बिजली के छोटे बल्ब से सजावट करें। जनप्रतिनिधि योजना विभिन्न योजनाओं द्वारा हमारे क्षेत्र का विकास करते हैं। गंदगी हटाओ, पर्यावरण बचाओ। इस प्रकार बच्चों इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना, साफ सुथरा हमें रहना और स्वयं रंगोली बनाना और सभी प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। ठीक है, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और स्वच्छ रहना। धन्यवाद।